चंद यादव इसलिए घर खाली करेंगे क्योंकि उनके नाम के आगे यादव लगा था कि वहाँ ऐसा ही होगा। 27 लोगों में सिर्फ एक प्रेम यादव का घर इसलिए टूट रहा है क्योंकि प्रेम यादव के आगे आज टाइटल यादव लगा जो है। प्रेमचंद यादव का घर बच नहीं पाएगा, कल योगी जी का बुलडोजर चले। योगी जी का बुलडोजर हमेशा से दलितों पर, ओबीसी पर और पिछड़ों पर ही चला। उनके सर से एक तो बाप का साया उठ चुका है, दूसरा उनके माथे पर से अब छत उठने की बारी आ गई है, लेकिन अभी भी आप नहीं पहुंचे हैं। तो ये सबसे बड़ी शर्म की घटना होगी पूरे यूपी में अगर कल प्रेम यादव का घर टूट जाए। देवरिया नरसंहार में लगातार आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से जो है सरकारी राजस्व विभाग जो अधिकारी हैं वो अब नोटिस भी दे दिए कि प्रेमचंद यादव के परिवार को कि अब घर जो है आपको खाली करना होगा। लेकिन हम इसी पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुशबू जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर प्रेमचंद यादव के परिवार ही घर क्यों खाली करेंगे और राजस्व विभाग इतनी दिन से क्या सोई हुई थी। प्रेमचंद यादव इसलिए घर खाली करेंगे क्योंकि उनके नाम के आगे यादव लगा हुआ है। उनके नाम यादव लगा, बिल्कुल उनके नाम के आगे यादव लगा हुआ है। इसलिए अगर उनके नाम के आगे दुबे लगा रहता, सिंह लगा रहता, ठाकुर लगा रहता तो नहीं करना पड़ता। क्योंकि आप भी जानते हैं इन टोटल नाम जब 27 लोग हैं, 27 लोग में 8 लोग यादव हैं, 12 लोग दुबे जी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, 7 लोग राजपूत हैं और इस तरह से उनका पूरा आंकड़ा है। अब बताइए कि वो भी सबसे खास और बड़ी बात कि सत्यप्रकाश दुबे पर जिस दिन उन्होंने गोली चलाई, नवनाथ मिश्रा है वो जो कि उनके ड्राइवर थे, तो गोली चलाने वाला और मारने वाला जो इंसान था सबसे पहले बुलडोजर उसके घर पे चलना चाहिए था, सबसे पहले जांच राजस्व विभाग की जांच उस घर पे बैठनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। किस पे बैठेगा तो प्रेम यादव पे बैठेगा क्योंकि उनके नाम के आगे यादव लगा है। और शायद आप एक चीज नोटिस नहीं की कि वहाँ पे जो है सरकारी जमीन है, नवनाथ मिश्रा के घर के बगल में सरकारी जमीन। अगर ऐसा ही इतना ही सही है यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ की निष्पक्षता है तो वहाँ पे जितने पदाधिकारी, जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, सारा के जमीन की जाँच हो और उनमें जितनी निकले, फिर अगर उसके बाद प्रेम यादव का घर टूटा, अधिकारी को तो सस्पेंड कर दिया गया। 13 अधिकारी को ना सस्पेंड कर दिया गया। हम नेता की बात करें, वो राजनीतिक व्यक्ति थे, राजनीति से जुड़े हुए इंसान थे, वो पंचायत समिति वर्तमान में भी थे, वहाँ के अध्यक्ष भी थे जिला में किसी चीज का। तो अगर इतना ही शौक चढ़ा है योगी जी को, मतलब उस तरह की जमीने का, अवैध जमीनों का ये करना, निकालना और उसके हिसाब से घर तोड़ना, तो सबसे पहले बड़े बड़े जो उनके पार्टी में, चाहे किसी भी पार्टी में बैठे विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनके घर की जाँच करवाएं। प्रेम यादव तो एक मामूली एक पंचायती राज से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, पंचायती राज सबसे निचला तबका होता है ना, राजनीतिक का सबसे निचला पैदान होता है पंचायती राज। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कल जो है प्रेमचंद यादव का घर बच नहीं पाएगा, कल योगी जी का बुलडोजर चले। योगी जी का बुलडोजर हमेशा से दलितों पर, ओबीसी पर और पिछड़ों पर ही चला है। ये समय मिल रहा है कि वो भी जाके अखिलेश जी का बयान आया है कि हम 16 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को हम इस घर पे जा रहे हैं। दूसरी बात अगर शुरू में एक ये भी बात सही है जहाँ तक देखा जाए कि दूसरी बात अगर वो शुरू में वहाँ पहुँचते तो लोग कहते कि वो यादव है इसलिए अखिलेश यादव वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन देश के ऐसे कोई यादव नहीं है जो नेता हो, जो यादव समाज के लिए कुछ करते हैं वो नहीं पहुंचे हो, तो अखिलेश यादव इतना पीछे कैसे रह जाते हैं? अब ये तो हमें नहीं पता कि वो पीछे क्यों रह गए, क्या कारण उनका रहा, क्या मजबूरी उनकी रही, लेकिन अब तक उनको इंतजार कर रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा प्रेमचंद के घर उसके बाद। अब ये हो भी सकता है कि उनकी क्या मानसिकता रही होगी कि अब तक वो नहीं पहुंचे, लेकिन हमारा अभी भी अखिलेश यादव और उनके पार्टी से जुड़े सभी नेताओं से आग्रह होगा कि जितना जल्दी हो सके आप वहां पहुंचिए और उनका घर जो कल टूटने वाला, ध्वस्त होने वाला, क्योंकि उस घर में अभी कोई भी मजबूत स्तंभ नहीं बचा है। उसके पिता प्रेम यादव की हत्या ही हो गई है, उसके छोटे भाई को जेल में डाल दिया गया प्रशासन के द्वारा, बुजुर्ग पिता को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जितनी भी उस घर में हैं महिलाएं हैं और दो छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे हैं उनके सर से एक तो बाप का साया उठ चुका है, दूसरा उनके माथे पर से अब छत उठने की बारी आ गई है, लेकिन अभी भी आप नहीं पहुंचे हैं। तो ये सबसे बड़ी शर्म की घटना होगी पूरे यूपी में अगर कल प्रेम यादव का घर टूट जाता है। लेकिन ये चीज हम पहले से कह रहे हैं, मुझे पता था कि वहां ऐसा ही होगा, 27 लोगों में सिर्फ एक प्रेम यादव का घर इसलिए टूट रहा है क्योंकि प्रेम यादव के आगे आज टाइटल यादव लगा हुआ। चार लोग के और घर नोटिस चिपका हुआ, उनको भी नोटिस मिल चुका होगा, लेकिन मैक्सिमम तो ज्यादातर आप बात की प्रेमचंद के घर पे ये लोग हैं, उनकी बच्ची है, लेकिन दुबे परिवार में भी तो अब कोई नहीं बचा, मात्र दो बच्चा, एक बच्चे बच्चे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना सरकार की ओर से। जो घर पे भी तो पुलिस है, प्रेमचंद यादव के पुलिस प्रोटेक्शन नहीं, उस बच्चे को, जो बच्चे अभी एडमिट है उस बच्चे को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जो भी सुविधा है
हॉस्पिटल में, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, चाहे हर तरीके की सुविधा खुद योगी आदित्यनाथ जाके उनसे मिले। कैसे एक तरफा बात कर रही है आप? जब भी प्रेमचंद की पत्नी निकल रही है तब पुलिस आगे पीछे पेट्रोलिंग करते हुए, पेट्रोलिंग इसीलिए कर रही है ना कि उसको मीडिया से दूर रखा जाए। हाल ही में उसकी बेटी का स्टेटमेंट आया है कि हमको अपनी बात रखने से मना किया जा रहा है। वो खुद बोली है ना कि पुलिस प्रशासन को कि अंकल हमको मेरी बात रखने दीजिए, अंकल मुझे मेरी बात सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है। याद करिए ना, बोले तो पहला एग्जांपल आपको हाथरस का दिए थे ना, कितना पुलिस हाथरस कांड में दलित बच्ची के घर पे था, प्रज्ञा मिश्रा रो रही थी, दौड़ रही थी, बोले थी नहीं हमको उस बच्ची के घर पे जाना है, उस बच्ची से मिलना है, लेकिन मिलने दिया गया था। तो ये तो शुरू से होता है यूपी में। पुलिस प्रोटेक्शन उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है, वहाँ पे जो चीज हुआ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा। मीडिया बंद, आप चले जाइए, अगर आपको नहीं यकीन है तो आप जाइए, कल आपको खबर करने नहीं दिया जाएगा उस घर में जाकर, अंदर जाकर। इसलिए पुलिस वहाँ तैनात किया गया है कि जो मीडिया है, जो पत्रकार है, वो यहाँ आएगा, मामला बहुत हाईलाइट होगा, लोग पहुंचेंगे, तो मामला को किस तरह से कंट्रोल में किया जाए, किस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे खुलेआम उनकी बेटी बोल रही है कि हमारी बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा। ठीक है, देखिए हमें इस मतलब एक तरफा कार्रवाई हो रहा, एक तरफा हो रहा। हाँ, हम इस बात से दुख जताते हैं कि उस घर के भी 5 व्यक्ति मारे गए हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बहुत गलत हुआ, बहुत शर्मनाक घटना है, ऐसा वहाँ के ग्रामीणों को नहीं करना चाहिए था। कि एक अगर प्रेम यादव की हत्या उनके द्वारा कर भी दी गई तो ऐसा जो प्रतिक्रिया में उन्होंने आक्रोशित होकर किया, कहा जाता है कि गुस्से में लिया हुआ कदम गलत ही होता है ज्यादातर, तो वो उन्होंने किया वो कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूरे समाज ने मिलकर किया है तो सिर्फ टारगेट एक प्रेम यादव क्यों हो रहा है, उसके पक्ष को भी रखा यादव जमीन जो है दूसरे का भी कब्जा करते थे। जमीन कब्जा करता था, जिस जमीन की बात, जो पूरा जड़ का फसाद है, साधु दुबे का जो जमीन है बजाबते, उसकी पत्नी कह रही है कि हमने 2014 में लिखवाया है, केवाला है, वकालत और दूसरे का भी चीजें हैं, तो दूसरे का होगा तो इस बात का रजिस्टर्ड होगा ना थाने। वो महिला बयान भी दिए थाने में, FIR रजिस्टर्ड हो, थाना कार्रवाई उस समय से क्यों नहीं कर रहा था? फिर प्रशासन की लापरवाही है, 2014 में जब साधु दुबे से लगाया लिया गया था उसका जमीन, 9 बीघा या 10 बीघा के तकरीबन जमीन था, अगर वो इलीगल था या फिर अगर वो जबरन लिया गया था तो 9 सालों में, 2014 से अभी 23 चल रहा है, 9 साल हो रहा, 9 सालों में साधु दुबे ने क्यों नहीं FIR किया? साधु दुबे की हिस्से की जमीन थी, उसने FIR नहीं किया, उसे कोई आपत्ति नहीं थी, या फिर आपत्ति उसके बड़े भाई सत्य प्रकाश दुबे को थी भी तो पुलिस, कहा जाता है ना यूपी में तो बुलडोजर की सरकार है, पुलिस प्रशासन वहाँ एनी टाइम तैयार रहती है, वहाँ न्याय होता है, तो इससे पहले उन्होंने कोर्ट और न्यायालय का क्यों नहीं सहारा लिया? या फिर अगर न्यायालय में गया भी होगा ये मामला कि जमीन को लेकर आपसी विवाद हो रहा, तो न्यायालय आखिर अब तक सो कहां रहा था, क्यों नहीं उस पे न्याय किया, जो आज ये दिन देखना पड़ा। मतलब पूरी तरह से कहे तो यूपी में सिर्फ कहने को राम राज्य, असल में वहां राक्षस राज्य चल रहा है। एक तरफा वहां पे न्याय होता है, जब भी होता है तो पर्सनैलिटी देकर, व्यक्ति विशेष देकर और जाति विशेष देकर वहां न्याय किया जाता है। हमने आपको 3-4 एग्जांपल अभी बता दिया, हाँ बिल्कुल जातिवाद हो रहा है, आज से नहीं स्टार्टिंग से ही जातिवाद हो रहा है, वहाँ जाने की देखने की, एक नहीं हमने आपको 3-4 JD कार्यालय हमारे पीछे में, अगर JDU कार्यालय, BJP कार्यालय, तो इतना हिम्मत रखते हैं कि उसके गेट पर जाके चिल्ला के सरकार को बोल के आए, सुना के आए कि हाँ आपकी यहाँ पे गलती है। इतनी आज़ादी हमारे इस बिहार में दी गई है, लेकिन इस बिहार को सिर्फ और सिर्फ ये लोग जंगल राज साबित इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बिहार को किसी तरह से खराब साबित कर दिया जाए। इनकी प्री प्लान्ड यही मानसिकता है कि बिहार को, लेकिन अगर हम देखा जाए तो बिहार से कहीं ज़्यादा क्राइम अगर आज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यूपी में हो रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, ऐसा खुशबू जी कह रही है, लेकिन क्या होगा अगर बुलडोजर जब जो है प्रेमचंद के घर पे चलेगा तो उस समय की क्या दृश्य होगी, वो भी हम आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।